चलो क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। इफ ये 2021 का, इफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटीग्रेट करना है अपॉन अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x इक्वल टू ए साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन बी प्लस सी, देन ए बी की वैल्यू आपसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन रिपीट। इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 8 प्लस साइन 2x dx इक्वल टू ए साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन बी प्लस सी, इसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर ए बी पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लगाओ जरा सोच के ध्यान से। चलो देखते हैं किस तरह से इसको करना है। देखो यहां इस पे फोकस करो और इस चीज पे, तो मैं देखता हूं जो ऊपर वाली चीज है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव किसका होता है वो हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, ये मैं मान लेता हूं। अब इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये डी टी में बदल जाएगा भाई। अब इसको बनाने के लिए इसका स्क्वायर कर दो थोड़ी देर के लिए, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा और साइन टू एक्स मिलेगा साथ में। ऐसे इस वन को इधर भेज दिया जाए तो टी स्क्वायर माइनस वन बन गया साइन टू एक्स के प्लेस पे। ये बात भी क्लियर हो गई? यस सर। इसका मतलब इसे मैं अगर आई इक्वल टू मेंशन कर लू, ये चीज आई इक्वल टू मान लू, तो आई इक्वल टू क्या बना, ऊपर डी टी नीचे रूट के अंदर एट माइनस टी स्क्वायर माइनस वन। अब ये तो नाइन माइनस हो जाएगा एक तरह से, ऐसे नाइन माइनस टी स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? नाइन माइनस टी स्क्वायर बन गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए टाइप का जाता था अपना। यस सर। इस टी की जगह कौन आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों भाई ऐसे आएगा, प्लस सी हो गया। yes, sir. अब यहां आप वन मान लीजिए, आपको तो कंपेयर करना है ना, तो ए हो गया वन और बी कितना आएगा three. तो इससे पता चला कि ये तो वन थ्री का ऑर्डर्ड पेयर बन गया, बी ऑप्शन। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलें। यस सर। यहां आपको आई इक्वल टू एक तरह से कह दीजिए, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2020 का है साइन इनवर्स रूट के अंदर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू ए एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए एक्स और बी एक्स लिखे हुए हैं इनका ऑर्डर्ड पेयर आपको एक तरह से बताना है क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसी चीज को सॉल्व करना है, ध्यान से करना, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना। दिख रहा बेटा? यस सर। ये जो रूट आया हुआ बस उसे हटाने पे फोकस करो, कैसे हटेगा वो। चलो देखें, देखो इसमें रूट हटाने का गेम है। अब सीधी सी बात है, ऊपर रूट के अंदर एक्स है ना एक्स, तो कोई भी चीज रखी जाएगी वो स्क्वायर में रखी जाएगी ताकि रूट हट सके।
दूसरा yes, नीचे वन प्लस एक्स है, तो सेम चीज नीचे भी रखी जाएगी। तो जब वन प्लस एक्स का केस होता है ना, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, याद है कुछ, तो टेन थीटा जाता है, क्या जाता है, टेन थीटा। अब ये तो एक्स है तो मुझे तो टेन स्क्वायर रखना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, क्यों बेटा, yes, sir. तो एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स इक्वल टू टू टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बात समझ में आ गई, yes, sir. अब I इक्वल टू लगाओ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। अब यहां गया, देखो ये गया tan, ऊपर तो tan थीटा आएगा, नीचे sec थीटा आएगा, भाई वन प्लस टेन स्क्वायर होगा ना यहाँ वाला पार्ट, yes, sir. तो क्लियर है मेरे को, सर ये टू टेन थीटा होगा, हाँ ये टू टेन थीटा, फिर टेन थीटा का, अच्छा टू टेन थीटा रहेगा हाँ ये स्क्वायर। अब बाकी ये वाली चीज जो है ये भी रख लेते हैं यहाँ पर, टू टेन थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या बचा साइन थीटा, yes, sir. तो एक तरह से सॉल्व होकर के ऐसा नहीं रह जाएगा कि ये थीटा टेन थीटा sec स्क्वायर थीटा, ऐसा ही तो बचेगा, yes, sir. क्लियर है, ठीक है बेटा, yes, sir. अब इसमें ये प्रोडक्ट रूल चल सकता है आईलेट, yes, sir, जी. तो आई इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ट्वाइस तो बाहर ही रहेगा थीटा इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन थीटा को टी मान के कर दोगे, yes, sir. क्यों बेटा, yes, sir. तो ये टी स्क्वायर अपॉन टू बनेगा यहाँ पर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू ये डी थीटा, ऐसा आएगा कुछ, yes, sir. सोच लो ऐसा आएगा, yes, sir. अब ये टू अंदर जाएगा तो क्या रहने वाला है, टी थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये पहला पार्ट ये बचा, अब ये टू से टू हट गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर ही तो रहा बस, yes, sir. टेन स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस वन कर दो, yes, sir. ऐसे अब क्या आएगा, थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस थीटा प्लस सी, ये चीजें हो गई, अब आ गया, yes, sir. तो यहां से क्या बनाओगे, इसको इसको बनाओगे अब आप tan इनवर्स रूट एक्स, थीटा को ये बनाओगे ना, tan इनवर्स रूट एक्स नहीं बनाएंगे थीटा, yes, sir. सही है, तो देखो कैसे कैसे, ये तो x हो गया, फिर ये थीटा की जगह आएगा tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan थीटा आएगा रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, इन दोनों से tan इनवर्स कॉमन हो जाएगा, yes, sir. हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा, x प्लस वन tan इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी, ऐसा आएगा, yes, sir. Absolutely. हाँ ax क्या बना, और हाँ c आएगा बेटा, माइनस में है ना, तो ये अपना c ऑप्शन बन गया, ठीक है, यस सर, समझ में आया मुझे, यस सर, चलो नेक्स्ट चलें, यस सर, यहां पर है इंटीग्रेशन में x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx,
क्या है x अपॉन x sin x plus cos x का होल x dx। अब इसकी वैल्यू मुझसे, ये ऑप्शंस है मेरे पास, इसकी वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, ध्यान से लगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी नहीं सर, बी सर, बी हाँ नहीं है, चलो देखते हैं। नहीं देखते हैं, देखो इसमें आप सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर है तो आई इक्वल टू कर लेते हैं और अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये sec tan वगैरह आए हुए हैं क्या बेटा, समझ रहे हो, तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हटाया जाए नीचे से, ये तो इसे t ले लो क्योंकि ये जब होल स्क्वायर में होगा तो होल स्क्वायर खोलना तो बड़ा ही एक टिपिकल सा वर्क हो गया, तो इसे छोटा बनाने के लिए t मान लिया मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या होगा, x cos x प्लस sin x माइनस sin x, समझ रहे हो, dx इक्वल टू dt, तो ये तो हट गए दोनों। यस सर, तो dx इक्वल टू dt अपॉन x cos x कह सकता हूं मैं, यस सर। तो मुझे यहां अगर मैं बनाना चाहूं dx के तो ये लिख दूंगा x स्क्वायर dt, ऐसे dt और dt के साथ नीचे कौन आया x cos x और ये t स्क्वायर, यस सर, एक ही हटेगा, यस सर, हट जाएगा, यस सर। अब क्या करना चाहिए, बचा कौन, x sec x upon t square, x upon t square टाइप का बच गया, ऐसे ऐसा बचा, क्या बेटा, जी सर। अब इसमें चाहो तो एक फॉर्म हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव था मेरे पास इस तरह का, तो ये चीज हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। अभी से ऐसे ही रहने दो जरा, इसे इसे यही रहने दो, तो ये क्या रहा अपना x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, अब ये ऐसे रहने दो जरा, और ये x cos x और ये मैंने एक तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये मैंने x cos x का क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड एक तरह से मान लो आप, ठीक है, यस सर। x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर था, ये x हटाना पड़ेगा, वो x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं। अब इसे ऊपर sec बना सकते हैं हम लोग, तो एक तो बनेगा x sec x जो कि डेरिवेटिव टाइप है, एक बनेगा x cos x, दो चीजें हो गई है मेरे पास, समझ रहे हो बेटा, ये दो चीजें हो गई, अब थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बस हो गया अपना ये।
अब इसमें आईलेट वाला रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल वाला। कौन सा? प्रोडक्ट रूल। एक पार्ट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें मान लो, अब यहां पर ये वाला इतना हिस्सा जरा लिख लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। देन तो इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल में आप अपना एक्स सेक एक्स अलग हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी डीएक्स। इसके बाद माइनस लगता है, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, डी अपॉन डीएक्स एक्स sec x, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये वाला तो इंटीग्रेशन रहेगा ही। क्यों बेटा? आइलेट में ठीक है, इस तरह से बनेगा। यस सर। अब ये x sec x ऐसे ही रहा, इसको टी लेट किया था, टीलेट करेंगे तो ये, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर है, नीचे वाले को टीलेट करके ये डेरिवेटिव बन गया था उसका, तो ये तो वन अपॉन टी का केस हो गया ना एक तरह से। यस सर। मतलब वन अपॉन टी स्क्वायर होगा, इसका होता माइनस वन अपॉन टी, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस वन अपॉन टी ये होता है। तो ये माइनस वन अपॉन टी का मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना काम निपट गया। अब यहां आ जाते हैं, यहां माइनस इंटीग्रेशन, ये तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू सेक एक्स इनटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और इधर ये जो आएगा ये आएगा वन अपॉन, बल्कि मैं माइनस वन अपॉन करके लिखूंगा, वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा बनेगा। क्यों भाई? यस सर। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। अब इसे साइन कोस में तोड़ देते हैं और सिंपल बना लेते हैं। पहले वाला पार्ट माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पार्ट ऐसे ही चल रहा है। अब इसमें है, इसमें आप अपना एलसीएम बना लोगे कॉस, है ना, यहाँ पर तो कॉस दो बार आएगा ना, देखो ये कॉस होगा एक, ये कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन भी यही है अपने पास, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस यहाँ भी था और एक ये, ठीक है भाई? Yes, अब क्या करो, ये तो कट गए अपना, बचा कौन? सेक स्क्वायर एक तरह का ए बन रहा है बेटा, ए वाला बन रहा है, तो ये हो गया अपना टेन एक्स माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अच्छा नहीं, सॉरी, सी वाला, सी बन गया, सी। क्लियर है? यस। चलो ये अपना आंसर थोड़ा घुमा के था, मतलब वर्किंग जो है वो लंबी ज्यादा है, इतना एक शुरू की एक ट्रिक छोड़ दो तो वर्किंग लंबी है ना। आगे चले? यहाँ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स दिया है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और वैल्यू पूछी एफ थ्री माइनस एफ वन, एफ एक्स दिया हुआ है इस तरीके से, तो एफ थ्री माइनस एफ वन की वैल्यू पूछो, ठीक है ना बेटा? वही कैलकुलेशन वाला ही गेम है ये भी,
थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन वो अलग है थोड़ा सा पैटर्न। तो फिर से टेन थीटा रख के करेंगे ना इसको? हाँ टेन वाला ही है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। हाँ वही रखा जाए क्योंकि रूट का केस है। सच लेकिन आधे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। चलो देखें, भाई वो तो पुट करना ही पड़ेगा आपको। जैसे अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये भी समझ आ गया। जैसे तो I इक्वल टू लिख लेते हैं, ये ऊपर टेन थीटा, नीचे sec थीटा। क्यों भाई ऐसे तो बनेगा, टेन थीटा sec थीटा। यस सर। और यहाँ क्या बनना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आ जाएगा, सोच लो। सर sec स्क्वायर थीटा होना चाहिए था शायद। अच्छा वन प्लस, ये चार पावर होगी यहाँ पे। अच्छा जी, ऐसे ज्यादा है ना, स्क्वायर ये दो पावर तो हटी गई, जैसे टू बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो ऐसे टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, टेन स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर बनेगा। sec स्क्वायर, अब टेन को साइन कोस तोड़ोगे वो भी कट जाएंगे, बचेगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू टाइप का बना लेंगे। यस सर। ये हट गए। यस सर। तो आई इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझको, वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा, ऐसा चलेगा। यस सर। अब वन का क्या हो गया थीटा, और ये हो गया साइन टू थीटा अपॉन टू। थीटा के प्लेस पे यहां से कौन आने वाला है, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन टू थीटा का होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस सर। ये टू भी हट गया। अब टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, क्या कहते हो? यस सर। ऐसा हो गया ये। यस सर। तो ये तो एफ एक्स था। क्यों बेटा? सी तो नहीं है सर सीधे। अब एफ थ्री माइनस एफ वन कर लो, एफ थ्री रखोगे तो ये होगा पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, उसके बाद माइनस वन रखोगे तो पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू, क्या कहते हो? Yes, sir. तो पाई बाई ट्वेल्व बचेगा प्लस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई फोर, डी ऑप्शन हुआ है तो एक तरह से। क्यों डी बनना चाहिए इस हिसाब से तो? Yes. सही है। Yes, sir. देख लो एक बार बेटा, क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ जाएं? Yes. ये दिया हुआ इफ ये इंटीग्रेशन के साइन के साथ है, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स वन प्लस साइन की पावर सिक्स एक्स, और ये थ्री बाई टू पावर है, होल पावर केवल इस पार्ट की पावर है, ठीक है? इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस साइन एक्स की पावर सिक्स और होल पावर वन बाई रूट वन बाई लैम्डा,
तो लैम्बडा की वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई लैम्बडा क्या होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? लैम्बडा की वैल्यू पूछनी है, पूछी जा रही है। yes. ठीक है, चलो लगाओ ध्यान से। थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से करना। लैम्बडा सर माइनस टू तो नहीं आ रहा? माइनस टू आ तो रहा है भाई, तो ये तुक्केबाजी तो नहीं कर दी? एक बार ध्यान से कर लो, कई बार एक्चुअल में जब हम करते हैं कुछ और आ जाता है। बना बेटा, फिर क्या वन प्लस टेन सिक्स एक्स को टी क्यूब ले लेंगे? देखो आई लेट कर लेते हैं इसको, है ना, कॉस एक्स डी एक्स तो है ही वो। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं, जितना ये है इसे कॉमन लेना चाहूं, देखो ध्यान से, ये सिक्स पावर कॉमन होगी तो ये फोर बन के आएगी बाहर, समझ रहे हो? अगर सिक्स पावर कॉमन लूंगा तो फोर बन के आएगी बाहर। अब अपने पास अंदर क्या रहा, वन अपॉन ऐसे रहा और ये हो गया टू बाई थ्री। ये पावर कितनी हो गई? सेवन। सेवन पावर हो जाएगी। यस सर। तो इसे ऐसे मेंशन कर लो, अब इसे टी ले लो जरा। अब ये टी क्यों ले रहा हूं, देखो इसका डेरिवेटिव मिल गया, ऐसे बनेगा डेरिवेटिव, और चेन रूल से कॉस एक्स भी तो आएगा। यस सर। तो ये तो खत्म हो गए, बस वन बाई सिक्स इधर चला गया। क्यों भाई? कॉस एक्स अपॉन साइन सेवन तो हट गए, तो क्या बनेगा? आई इक्वल टू, वहां से क्या बनना चाहिए, वन बाई माइनस सिक्स तो बाहर आ ही गया, डी टी अपॉन टी पावर टू बाई थ्री, ऐसा होगा क्या? यस सर। भाई इस तरह से लगा सकता हूं मैं? यस सर। अब क्या करना चाहिए? ये टी लिया था ना, अच्छा ये एक काम और कर सकते हैं, हम इसे टी क्यूब ले लें ताकि रूट भी हट सके। जैसे वन शुरू से, हाँ इसे टी क्यूब ले लो, तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा। यस, है ना, तो ये हो गया अपने पास टी स्क्वायर टाइप का। ये थ्री टी स्क्वायर भी हट गए, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन डी टी बचा बस, ऐसा बचेगा। yes, अब इसको करेंगे तो ये टी आ गया, टी की वैल्यू क्या रख दोगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर, और ये अपने पास साइन सिक्स एक्स प्लस वन, और ये हो गया अपने पास टी की वैल्यू वन बाई थ्री। क्यों? यस सर। सही लिखा? हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा
बेटा ये लैम्डा हमारा आया 3, ठीक है। वैसे इसमें ना कुछ और वैल्यू पूछी थी उन्होंने, एक चीज और दी हुई थी यहाँ पर, ये लैम्डा की नहीं पूछ रहा था, उसने वैल्यू जो है यहाँ पर किसी और चीज की पूछी थी, वो था लैम्डा एफ पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पे पाई बाई 3 कितना होगा, ये रूट 3/2, 60 डिग्री। यस सर, हाँ उसे सॉल्व करना है बेटा, यहाँ ये अपना बना के लाना है। तो एफ एक्स क्या करोगे, एफ एक्स क्या करोगे, ये बनाने के लिए इस एलसीएम ले लोगे, एलसीएम में बनेगा साइन स्क्वायर नीचे जो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है, ये माइनस तो रहेगा ही, और ये बनेगा 1+ ऐसे, ठीक है। अब ये पाई बाय 3 रख देंगे, क्या रख देंगे, पाई बाय 3, चल रहा है सही। ठीक है बेटा, एफ एक्स कितना बन गया, अब एफ एक्स बना -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, -1/2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, 4/3, -2/3 हो गया है, तो क्या हो गया ये -2/3, और लैम्बडा कितना आया था इसके साथ, यहाँ जो रखूंगा मैं हो गया 3 × -2/3, -2 हुआ है ना, ठीक है बेटा। यस सर, आगे कर दूं, यस सर। यहाँ पर रियल ट्रिपलेट है एबीसी और फंक्शन दिया हुआ है आपको a+bx+cx² क्वाड्रेटिक टाइप का, इसकी वैल्यू बेटा पूछी गई, ठीक है। ध्यान से इंटीग्रेट करके और बस वैल्यू रखना है आपको ध्यान से। तो वो तो कुछ और याद है सर, सॉल्व करके। अच्छा अब यहाँ अगर आप देखें तो तीन चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, एक एक्स इक्वल टू यूज हो रहा है 0, एक वन और एक 1/2, तीन चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, यही तो है तीनों चीजें, यस सर। तो चलो सॉल्यूशन डाल लेते हैं, अपना एफ एक्स इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया 0 से 1, अब मैं ये इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ए एक्स बी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा, यस सर, ठीक है क्या बेटा, यस सर। अब इसमें वैल्यू 1 रखोगे, जब 1 रखोगे तो a+b/2+c/3 -0, एलसीएम हो गया 6a+3b+2a, ऐसा बन जाएगा क्या ये, यस सर। अब आप यहां जाओ, एफ 0 कितना आएगा, ए सर, एफ 1 कितना आना चाहिए,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका। और एफ वन बाई टू भी ले ही लेते हैं, वन बाई टू होगा ए प्लस बी बाई टू सी अपॉन फोर। क्या कहते हो? यस सर, ऐसा बनेगा कुछ? यस सर। एलसीएम ले लो फोर, यस सर, जाएगा फोर ए प्लस टू बी प्लस सी अपॉन फोर। ऐसा ही तो बन रहा है। यस सर। क्या करोगे अब? ये ऐसे ले लूंगा मैं, फोर एफ हाफ फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, ये बन जाएगा क्या? यस सर। अब आपको चेक करना है इस वैल्यू को बनाने के लिए कैसा होना चाहिए फॉर्म, क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। सी लग रहा है सीधे। हाँ चलो जो भी है, अब ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं, कलर चेंज कर लेते। पहला ऑप्शन ए वाला चेक करता हूँ मैं। तो ये ट्वाइस ऑफ थ्री एफ वन, एफ वन हो गया ए प्लस बी प्लस, ऐसा होगा प्लस इसका ट्वाइस होगा। तो ट्वाइस हो, अगर ये एफ टू का ट्वाइस करेंगे तो एफ टू का ट्वाइस क्या आ जाएगा? इसका ट्वाइस ले लो, यहाँ पे ट्वाइस ले लो इसका। क्यों भाई? ट्वाइस ऑफ एफ हाफ, तो क्या आएगा अपने पास? टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। यस सर। अब ये आंसर क्या बन रहा है? फाइव ए प्लस थ्री फोर ए फोर बी प्लस सेवन सी बाई टू। तो ऐसा तो ये है ही नहीं, ये चीज तो है ही नहीं बिल्कुल भी ऐसी। यस सर। तो ये कट हुआ ऑप्शन, यस सर, ए हट गया। अब बी पे चर्चा करते हैं। बी बी ऑप्शन है वन बाई थ्री एफ जीरो, एफ जीरो हो गया ए प्लस एफ हाफ वन बाई टू सॉरी बी बाई टू और ये सी बाई फोर। अभी से भी फोर एल से बना के बाहर ले लोगे, वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा। ये टू फोर जा एट ए प्लस टू बी प्लस सी, ये चीज भी नहीं है। क्यों भाई नहीं है ना? यस सर। हाँ बेटा। यस सर। तो मैं तो इसे भी नेगलेक्ट कर देता हूं। अब सी पे पहुंचते हैं। सी पे है वन बाई टू एफ वन, एफ वन हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस थ्री। अब देखो इसमें थ्री की मल्टीप्लाई कर लो, थ्री है थ्री बी बाई टू थ्री सी बाई फोर। फोर एलसीएम बना के बाहर ले लेते हैं तो वन बाई एट हो जाएगा बाहर, तो एलसीएम फोर आएगा ना। तो ए ए फोर ए फोर फोर जा सिक्सटीन ए, ये दोनों हो गए अपने पास कितने? सिक्स प्लस वन सेवन बी, और सी भी कितने हो जाएंगे? सेवन सी, ये भी नहीं है। क्यों भाई? यस सर। तो ये भी नहीं है देखो यहाँ पर, तो भाई डी ऑप्शन होना चाहिए अब। तो क्या कहते हो? डी चेक कर लेते हैं। yes, तो वन बाई सिक्स एफ जीरो हो गया ए, क्यों एफ जीरो ए और वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस फोर टाइम है, तो ये अपने पास है फोर ए प्लस टू बी प्लस सी। अब ये हो गया अपना सिक्स ए
प्लस 3b प्लस 2c, यही चीज अपना डी ऑप्शन दिखा रहा है। सही है बेटा?